इस साल खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप को इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई की ओर से कुल 12 वेन्यू तय किए गए हैं। इसमें अहमदाबाद के अलावा बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई शामिल है। वहीं बीसीसीआई वार्म अप मैचेस के लिए 2-3 एक्स्ट्रा वेन्यू भी तय कर सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 10 टीमों के बीच खिताब के लिए कुल 48 मैच खेले जाएंगे। ये मैचेस 46 दिन तक चल सकते हैं। यूं तो वर्ल्ड कप के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट अक्सर एक साल पहले ही कर दी जाती है, लेकिन इस बार आईसीसी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इंडियन गवर्नमेंट की ओर से टैक्स में मिलने वाली छूट को समझने का इंतजार कर रहा है। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक 2016 से 2023 तक 3 टूर्नामेंट के लिए टैक्स छूट का वादा किया गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ये टैक्स पे करेगा।